हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल जगजायका में इस्तकबाल है। चलिए आज हम आपके लिए बना रहे हैं हक्का नूडल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान होती है। इसमें फ्लेवर्स बहुत लाइट होते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें मैंने नूडल्स का एक पैकेट लिया है, इसको हमें खोल के नहीं डालना है, पानी में जाते ही अपने आप खुल जाती है। चलिए अब इसको हम बॉइल्ड पानी में डाल देते हैं और इसको लगभग हम हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। 5 मिनट में ये अच्छे से पक जाती है। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो नूडल्स है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। एक नूडल्स आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी सही से बॉईल हुई है या नहीं हुई है। इसमें थोड़ा सा एक बाइट होनी चाहिए ताकि जब वेजिटेबल्स के साथ पकेगी तब वो थोड़ी पकती है, अगर आप ज्यादा पका देंगे तो आपकी एकदम टूट जाएगी। चलिए अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने छलनी में हमारे सारे नूडल्स निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर से हम इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो नूडल्स है वो चिपकती नहीं है एक दूसरे के साथ। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। ऑयल आपको ज्यादा नहीं डालना है, बस 1 से 2 चम्मच तक डालेंगे और इसे थोड़ा चम्मच से मिक्स कर देते हैं इस ऑयल को, ताकि सब नूडल्स पे लग जाए आराम से। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलिए हम चिली ऑयल तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें चिली ऑयल पड़ता है। चिली ऑयल बनाना बहुत ही आसान है। ये जो हमारा तेल गर्म है इसी को मैंने यहाँ पर एक कटोरी में कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये केवल कलर के लिए यूज होती है, इसमें तीखापन बहुत ही कम होता है। आप चाहें तो साबुत कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, वो भी इजली मिल जाती है आपको। और ये गर्म तेल ही हम इसमें हम 2 चम्मच डाल देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए है हमारा चिली ऑयल तैयार हो गया है। हमें कम ही क्वांटिटी में चाहिए इसलिए मैंने यह ज्यादा नहीं बनाया है। चलिए हमने 1 टेबल स्पून ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। चलिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम एक मीडियम साइज की प्याज डाल देते हैं। इसे हमें फ्राई नहीं करना है, ना इसका कलर ज्यादा चेंज करना है। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसमें हमने यहाँ लहसुन लिया है, यहाँ ये भी डाल देते हैं। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लहसुन बिल्कुल बारीक काट के डाला है। चलिए इसे 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से पका लेते हैं। चलिए प्याज को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसमें हम और वेजिटेबल्स अपने डाल देते हैं। यहाँ मैंने कैप्सिकम ली है जिसमें मैंने बारीक काट लिए हैं। यहाँ मैंने आधी कटोरी कैप्सिकम ली है, आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्प्रिंग अनियंस ली है, इसे भी हम डाल देते हैं। और यहाँ मैंने कैबेज ली है जिसको इन सब वेजिटेबल्स को मैंने बारीक काट लिया है, जिससे बहुत जल्दी क्रंची हो जाती है। इसे हमें पकाना नहीं है ज़्यादा, केवल 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि हमारी वेजिटेबल्स क्रंची बनी रहे, सॉफ्ट ना हो जाए। चलिए 2-3 मिनट हो गए हैं, हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम अपना चिली ऑयल बनाया था वो हमने डाल देते हैं। 1 चम्मच मैंने चिली ऑयल डाल दिया है, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच हम विनेगर भी डाल देते हैं। यहाँ मैं विनेगर डाली हुई, मैं जामुन का सिरका है, आपके पास जो भी सिरका अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम सोया सॉस भी डाल देते हैं, ये मेरी डार्क सोया सॉस है। अगर आपके पास लाइट वाली हो तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने चाउमीन को बॉईल करते हुए भी डाला था। यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब जो चाउमीन हमने छलनी में रखी थी वो डाल देते हैं इसमें और 2 स्पून की हेल्प से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है 2 स्पून की हेल्प से और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि इसके फ्लेवर्स बहुत लाइट होते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से और थोड़ा सा पका लेते हैं। अगर बाय चांस आपकी चाउमीन थोड़ी कच्ची लग रही है आपको तो इसमें इस वक्त आप पानी की थोड़ी सी छींटे डाल सकते हैं, जिससे आपकी चाउमीन पक जाएगी। चलिए देखिए हमारी चाउमीन एकदम डिश आउट करने के लिए तैयार है और इसे हम डिश आउट करते हैं। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। चलिए इसे हमको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी वेज हक्का नूडल्स एकदम तैयार है, एकदम टेस्टी सी, बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप इसे जब भी आपका मन करे, जो भी चाउमीन आपको इजिली मिल जाए तो बना सकते हैं। चलिए इसे हम डिश आउट करते हैं थोड़े से स्प्रिंग अनियन के साथ, ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी
और आप जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट जरूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।